अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू पाक रेडी जॉब्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए नैप की लेटेस्ट जॉब्स लाया हूँ, नई जॉब्स लाया हूँ और जल्दी से आप लोग उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी आखिरी डेट में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है और आप जल्दी से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तलीम सिर्फ मैट्रिक्स था मास्टर है, उम्र की लिहाज जो है 18 से 30 साल है। बाकी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है हमारी वेबसाइट का, तो हमारी वेबसाइट में दोस्तों ये पोस्ट लगी है जिस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा और साथ ही साथ में दोस्तों आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी मिलेगा। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ से आपको जो मैंने खुद लिखा है, जो मैंने आसान करके लिखा है, वो आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर सीट्स फॉर नैप, दोस्तों नैप के लिए जो सीट है, जूनियर एक्सपर्ट टू मीडिया, जूनियर एक्सपर्ट टू लैंड रेवेन्यू, जूनियर एक्सपर्ट टू स्टेनोग्राफर, डेटा कंट्रोलर असिस्टेंट और फिर स्टेनोटाइपिस्ट, कैशियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यूटीसी, एलडीसी और उसके बाद लिखे है लास्ट डेट। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लास्ट डेट दोस्तों है 29 जुलाई 2019, 7 अगस्त 2019, ये दो लास्ट डेट्स हैं। आप लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं। आज है 25 जुलाई और 29 जुलाई में भी दोस्तों हमारे पास 4 दिन है और 7 अगस्त में हमारे पास 10 से 15 दिन बाकी हैं। तो रिक्वायरमेंट्स में पहले दोस्तों मैंने लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर मैं आगे आपको बताऊँगा वो आप लोगों ने प्रिंट कराना होगा। तो दोस्तों उसको प्रिंट करा के आप लोगों को यहाँ पर जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर दोस्तों डिग्री या सर्टिफिकेट जो आपने क्वालिफिकेशन की है, या जाहिर सी बात है मैट्रिक या मास्टर की जो भी आप लोगों ने कंप्यूटराइज्ड सिनिक, अपना शिनाख्ती कार्ड और यहाँ पर डोमिसाइल, दोस्तों यहाँ पर अपने डोमिसाइल लगाने हैं, आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, तो यहाँ पर आपने उसी वक्त ही निकलवा कर भेज देनी है फ़ोटोग्राफ जो आपकी ताज़ा फ़ोटोग्राफ होगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। ये एड्रेस लिखा हुआ है 3rd फ्लोर अदीब प्लाजा फजले रोड ब्लू एरिया इस्लामाबाद, तो G7 में है ये दोस्तों PTS का हेडक्वार्टर। तो अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको नैप एडवर्टाइजमेंट बता देता हूँ, जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आई है। दोस्तों यहाँ पर देखिए के PK के लिए एक सीट है, पंजाब के लिए एक सीट है। दोस्तों बहुत ज़्यादा सीटें हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर तकरीबन 24 जॉब्स हैं और दोस्तों उनमें सीट्स भी लातदाद हैं। दोस्तों किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 हैं। आप लोग जल्दी से इसमें अप्लाई कर लीजिए, अगर आप लोगों ने देर कर दी तो हो सकता है कि दोस्तों इसमें आप लोग रह जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एज की लिमिट 18 से 30 इयर्स तमाम के लिए है और जो है कोई भी इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किस तरह से करना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर लिंक दिया गया है दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे पहले आप लोगों ने प्रिंट करा लेना है, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है PDF फाइल को और यहाँ से आप लोग USB में ले के जाना है किसी प्रिंटर के पास, तो आप लोग वहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं या आप लोगों ने किसी भी बैंक से ले लेना है या PTS से ले लेना है ये। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट योर डिज़ायर्ड पोस्ट, यहाँ पर आप लोग नीचे से देखिए कोई भी पोस्ट पहले आप लोग सेलेक्ट कीजिए। पहले आप लोगों ने जो काम करने है, मसलन यहाँ पर मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो लगाऊंगा वो बाद का काम है। अगर आप लोग यहाँ पर ही एडिट करके लगाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर ही एडिट करके लगा के फोटोशॉप वगैरह में, तो तब आप लोग प्रिंट करवाइए। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम दोस्तों और यहाँ पर मेल तो है, तो दोस्तों मेल हैं आप, तो मेल तो ख़वातीन और मर्दों के लिए दोनों के लिए हैं। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर, सिनिक नंबर री इंटर दोबारा करना है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो भी आप लोगों का होगा, पोस्टल एड्रेस दोस्तों, और पोस्टल एड्रेस का बहुत लोगों को नहीं पता होता, आप लोगों ने गूगल में जाना है और पोस्टल एड्रेस यहाँ पर लिखना है और उसके आगे अपनी सिटी लिख लेनी है, तो आपका आ जाएगा आगे से पोस्टल एड्रेस। तो फिर हम अभी वापस आते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे डोमिसाइल प्रोवेंस जो जिस भी जो है सूबे में से आपका डोमिसाइल बना है, मेरा KPK है, जिस तरह से आप लोगों ने KPK अगर आप लोग KPK के लिख लेना है तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को लिख देनी है, हरिपुर जैसे मेरा सिटी है उस तरह से आप लोगों को लिख देना है। रिलीजन दोस्तों आप लोगों ने मुस्लिम नॉन मुस्लिम, तो मुस्लिम श्योर आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद दोस्तों डिसेबिलिटी मजदूरी दोस्तों, अगर आप लोग मजदूर हैं खुदा न खास्ता तो आप लोग मजदूर लिखेंगे और यहाँ पर आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट भी ऐड करना पड़ेगा अपना। उसके बाद दोस्तों करंट ऑक्यूपेशन मौजूदा पेशा जो आप लोग कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट सरकारी नौकर हैं वो भी आप लोगों ने अटैच करना है, प्राइवेट सर्विस है तो जॉबलेस है तो वो आपने उस पर टिक करना है। उसके बाद दोस्तों दोरी शोरियत, तो इस पर आप लोगों ने कर देना है यस आर नो अगर आप हैं या नहीं। तो उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर दोस्तों यहाँ पर देखिए आखिर में फिर से आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा।
तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 90 और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने अपना कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, गवर्नमेंट ऑफ एग्जाम नेशनल कोटी बैरियर, तो यहाँ पर KPK में अगर आप हैं तो उसके लिए सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों FASC फर्स्ट VN जो भी आप लोगों की तालीम है वो वगैरह आप लोगों ने सिलेक्ट कर देनी है, और टेस्ट सेंटर जिस जहाँ पर आप लोग देंगे इस्लामाबाद या रावलपिंडी में देंगे तो वो सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये मज़ीद जो हैं आप लोगों ने दे देनी है, आपकी उम्र क्या है, आप लोग शादी की हुई है या सिंगल है। उसके बाद डिग्री टाइटल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, जो आप लोगों के पास डिग्री मौजूद होगी उसकी आप लोगों ने डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आपको इनका नंबर मिल जाएगा, आप लोग मज़ीद डिटेल्स यहाँ से भी जान सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों ने हबीब बैंक में यहाँ पर जमा करा देनी है, ऑनलाइन या मोबाइल पैसा या बैंक से आप लोग जमा करवा सकते हैं। तो इस तरह से इसकी करनी थी रजिस्ट्रेशन, और इस तरह से नैब जॉब्स के बारे में अप्लाई करने का तरीका मुकम्मल मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही जॉब्स के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर आना है। उसके बाद ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, और उसके बाद ही आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट का लिंक मिलेगा। तो दोस्तों अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।